गाड़ी चलाने की कला से भी ज्यादा जरूरी है उस कला का ज्ञान होना जिससे आप अपनी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के किनारे से निकाले जाते हैं। कुछ विले ही होते हैं जो इस कला में पारंगत होते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने की इस कला के अलावा कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC वगैरह वगैरह। लेकिन मजाल के सारे कागज़ एक साथ हमारी जेब में या फिर गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स होता है उसमें हमने रखे हों। और कई बार ये भी होता है कि हम जानबूझकर पेपर्स अपने साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि मान के चलिए हमसे कोई गलती हुई और हमारा चालान कटा तो पुलिस वाला लाइसेंस ना छुड़ा ले। इसलिए जब भी हमें ट्रैफिक पुलिस नज़र आती है कभी सड़क पे, हम कन्नी काट कर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा इंतज़ाम हो गया है कि आप आइंदा कभी ट्रैफिक पुलिस से आंखें नहीं चुराएंगे। ऐसा होगा कैसे? ऐसा होगा डिजीलॉकर और एम परिवहन ऐप की बदौलत। अब इन ऐप्स की वजह से आपको गाड़ी के ज़रूरी कागज़ अपनी जेब में नहीं रखने पड़ेंगे, उनकी एक कॉपी ऐप पर अपलोड होगी और आपका काम हो जाएगा। आप अपने साथ फ़ोन लेकर चलेंगे ही, फ़ोन नॉर्मली हम नहीं भूलते हैं गाड़ी चलाते वक्त, फ़ोन निकालिए, DL दिखाइए और आगे बढ़िए। फ़ोन पे डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाला ये नियम पहले से था, कुछ राज्यों में लागू भी था, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं थे और पुलिस के पास भी परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं थी, उनको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था पुलिस डिपार्टमेंट में भी। ऐसे में एक साहब थे कहीं, उन्होंने अपना डिजीलॉकर वाला लाइसेंस एक ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाया, लेकिन फिर भी उनकी पावती कट गई। उन्होंने इसकी शिकायत की और तब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को भी लगा कि अब समय आ गया है कि सभी को इसके बारे में बताया जाए। मिनिस्ट्री ने अब सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि अपने अपने यहाँ ये नियम लागू करवाएं। अब आपको ये बताते हैं कि ये काम करता कैसे है। आप अपने अपने ऐप स्टोर पर जाएं और डिजीलॉकर इंस्टॉल कर लें। जब आप डिजीलॉकर चलाएंगे तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, माने एक यूज़र ID और एक पासवर्ड सेट करना होगा, एकदम वैसा ही जैसा हम जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तभी भी हम करते हैं। इसके बाद आपको डिजीलॉकर में अपना आधार नंबर डालना होगा। एक बार आपका आधार नंबर इसमें वेरीफाई हो जाए उसके बाद डिजीलॉकर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप आ जाते हैं जो आपने पहले से आधार से लिंक किए हैं। फिर अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने आधार से लिंक नहीं किए हैं तो आप उनकी तस्वीर खींच के ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह mParivahan भी काम करता है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें अपना गाड़ी का नंबर डालना है जो कि आपकी गाड़ी के प्लेट पर होता है। इसके बाद गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स ऐप पर आ जाती हैं और साथ ही ये भी कि इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं गाड़ी का और अगर हुआ है तो कब तक वैलिड है। अब ये मत समझिएगा कि लाइसेंस नहीं है तो जब्त नहीं होगा, होगा। सरकार देश में चलने वाली सारी गाड़ियों और सारे ड्राइवर्स के लिए दो डेटाबेस तैयार कर रही है, वाहन और सारथी नाम से, यानी एक गाड़ी का डाटाबेस होगा और एक आपका डेटाबेस होगा। तो जब आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो आपका ई चालान बनेगा और इसकी जानकारी इन डेटाबेस में फीड कर दी जाएगी। यहाँ से जानकारी ट्रांसफर होगी डिजीलॉकर और mParivahan को और तब इन ऐप्स में आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ये नज़र आएगा कि फला चालान पेंडिंग है वगैरह वगैरह। जब कोई बड़ी गलती करेंगे और आपका लाइसेंस या RC इम्पाउंड करने यानी कि उसे जब्त करने की नौबत आएगी तो पुलिस इसकी कार्रवाई ऑनलाइन करेगी और तब आपके डॉक्यूमेंट्स पर ये लिखा आएगा कि उन्हें इम्पाउंड या सीज कर लिया गया है, माने उन्हें जब्त कर लिया गया है। ये मार्कर तभी हटेंगे जब आप अपना चालान या कोर्ट केस की कार्रवाई पूरी कर लेंगे।